ऊपर दिख रहा है आपको मौसम, देखो पूरा पैक हो गया है। तना छुप जा। एक चीज चेकआउट करना, बेला आ जा। नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सर आज की वीडियो की शुरुआत ना बिलीव ही नहीं करोगे कितने बजे हो रही है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस टाइम पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम अभी हो चुका है, दिखा देता हूँ, अदरवाइज ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे। गाइस ये चीज चेकआउट करो, 452। और अभी जाके मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है। उसका रीजन पता है क्या है? चंडीगढ़ जाने के लिए ना सुबह से लेके खजल हो रहा हूँ मैं यार। वेदर रात को खुल गया था और रोड भी बोल रहे कि रात को ओपन हो चुका था और सुबह फिर से ब्लॉक हो गया वो। तो वही था, मैं कॉल कर करके कंफर्म कर रहा था रोड खुला है कि नहीं खुला। कहीं बोल रहे खुला है, फिर बोल रहे अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक हो गया। दिन में फिर मेरे को अभी कॉल आया कि रोड खुल चुका है, मतलब एक साइड से रोड खोल दिया है। तो मैंने कहा अब जाके तो फायदा नहीं है, तो अब क्या करूँ। उस चक्कर में व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया। सर घर पे भी काफ़ी काम थे, बैग वगैरह, तो मैं भाई पूरे पैक करके बैठा हुआ हूँ कि जाना है तो जाना है। तो अभी के सीन्स ऐसे है, निकला तो हूँ नहीं मैं चंडीगढ़ को और अकेला जा रहा हूँ, और रात को जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि रिस्क ही काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं ये चीज़ नहीं बोलने वाला हूँ आप लोगों को कि मैं निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, कल निकल रहा हूँ। निकलूँगा ज़रूर मैं, देखते हैं जब भी निकलेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और एक काम करते हैं, अभी ना सना को जाना है मेरे को नानी के घर छोड़ने के लिए, और मोटर व्लॉग करेंगे थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की शाम की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। अगर गोप्रो रखा हुआ था मैंने घर पर ना, जिसके अभी यहाँ देख सकते हो गोप्रो नहीं लगा हुआ है। तो अभी सना आ रही है, उसको मैंने कहा कि गोप्रो भी लेके आ जा मेरा, अदरवाइज भाई मोटो ब्लॉग कैसे करेगा। तो यार सना को लेके मैं निकल चुका हूँ और आपको भाई आज लेके जा रहा है इंटरसेप्टर। एंड मैं सोच के चला था मेरे को बारिश तो क्या ही पड़ेगी, मज़ा आएगा मोटो ब्लॉग करने में, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, टिप 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 करके स्टार्ट हो गई है। और बांग साइड तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। सना को मैंने बोला, मैंने कहा पकड़ के बैठ जा क्योंकि इसमें क्या है एक्सीडेंट दोनों एकदम पीछे हो जाते हैं। मैंने ना जो नया सेटअप लगाया हुआ है, मैं नोटिस कर रहा था कि एंगल उस दिन थोड़ा सा नीचे हो गया था। आई होप आज बिल्कुल ठीक हो, एंगल थोड़ा सा ऊपर कर दिया है मैंने। अगर आज भी डाउन होगा तो बता देना मेरे को, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैप पूरा खोल के थोड़ा ऊपर को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो बता देने के बाद कमेंट में ना। फिर बारिश तो तेज़ होती जा रही है भाई, कहीं ऐसा ना आते हुए मैं पूरा भीग जाऊँ। रेनकोट भी नहीं लगाया, ऊपर से कुछ भी नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही चलाऊँ मैं यार। कहीं ऐसा ना बारिश फिर से रात को तेज़ हो जाए और लैंडस्लाइड्स वगैरह हो, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। मैंने गोप्रो इसलिए घर पे रखा हुआ था, मैंने कहा चंडीगढ़ ले जाऊँगा इसको, और फुल चार्ज करके रखा था। ज़्यादातर ना मैं अपना गोप्रो जो है वो ऑफिस में ही रखता हूँ, हेलमेट भी ऑफिस में होता है पड़ा मेरा और गोप्रो भी। लेकिन घर में इस बार इसलिए लेके गया था, मैं फुल चार्ज करके रखता हूँ और चंडीगढ़ जाना है ले जाऊँगा साथ में। बट अपने को क्या पता था चंडीगढ़ जाना इस बार इतना मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज चंडीगढ़ जाना बहुत आसान होता था यार। सोचा गाड़ी स्टार्ट की निकल गया, ख़त्म बात। इस बार मुश्किल हो रहा है मौसम की वजह से ना थोड़ा। और मेरे को पता है बांग में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी और मैं भीगने वाला हूँ बुरे हाल से। ये मैं क्या जाना है भीगने वाली है। चलो इसको तो मैं टाइम से छोड़ दूंगा ना, लेकिन आते वक्त मेरा क्या होगा। और मैं चप्पल लगा के हूँ आज, यहाँ देखो, क्योंकि मेरे को ना अंगूठे में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। आपको मैंने बताया था शायद से परसों, जो वहाँ पर सीढ़ी के पास गिर गया मैं, मतलब टांग स्लिप हो गई और पत्थर लगाए हुए ना हमने सीढ़ियों में, वो तीखे होते हैं साइड से, अंगूठे से ना नाखून हल्का सा कट गया साइड से और खून ही खून, पूरी टांग सूज गई थी मेरी राइट साइड की, टांग नहीं सॉरी अंगूठा, चला भी नहीं जा रहा था। बट अभी भी अगर शूज़ लगा रहा हूँ ना तो पेन हो रहा है, इसीलिए शूज़ नहीं लगा रहा हूँ मैं, चप्पल लगा के निकला हुआ हूँ मैं। पिछले कल शूज़ लगाए थे, पूरे दिन भर बहुत पेन हुआ मेरे को और रात को और ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैंने आज बोला मेरे को शूज़ नहीं लगाने भाई, चप्पल ठीक है। ऊपर दिख रहा है आपको मौसम, देखो पूरा पैक हो गया है। और सुबह ना इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे। वो तो मैं चलो व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया, लेकिन सुबह इतनी तेज़ धूप थी, दिन में भी धूप थी और शाम होते ही देखो ना क्या हो जाता है, और शाम को ही तबाही मचाता है, रात को मतलब शाम को मौसम ख़राब हो जाता है और रात भर फिर तबाही मचाएगा, सुबह का मौसम ठीक। इस साल पता नहीं क्या हो चुका है वेदर को यार, बहुत गुस्से में है इस साल वेदर। बारिश बारिश, आपको रोड दिख रहा है आगे, हल्का हल्का गीला है और मेरे को लग रहा है मैं इसको छोड़ने जाऊंगा ना बुरे हाल होने वाले हैं। एक काम करते हैं, ओ तेज़ हो गई, शिट शिट शिट, एक काम करते हैं बंटू भाई की गाड़ी लेके जाते हैं दुकान से यार। भाई बहुत तेज़ हो गई। सना छुप जा, आगे तो बहुत तेज़ है बारिश। शिट यार, आप ये चीज़ नोटिस करो, पीछे ना बिल्कुल ठीक था, टिप टिप बारिश लगी थी लेकिन रोड बिल्कुल साफ था देखा, और यहाँ पे काफ़ी देर से बारिश पड़ रही है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना बारिश तेज़ होती जा रही है। शिट, बंटू भाई की गाड़ी लेके जाते हैं यार, ऐसे नहीं होगा भाई, बंटू भाई की गाड़ी लेके जाएंगे ऐसे नहीं होगा।
गाइस बाइक छोड़ दी है मैंने बंडू भाई के पास ना, और यहाँ से पप्पू भाई की गाड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि बारिश, मैंने सोचा नहीं था बारिश पड़ेगी लेकिन स्टार्ट हो चुकी है। मच बेटर की गाड़ी में जाओ। ओ भाई साहब सीट बहुत आगे, लेट्स गो। सना गिरी जाती है ना, नहीं मैंने सोचा था बारिश पड़ेगी, सोचा, अच्छा सोचा था इसने, मैंने नहीं सोचा था यार। चलिए जितना हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं ना उतनी तेज होती जा रही है बारिश। वाइपर देख लो आप, खुद हिसाब लगा लो बारिश कितनी पड़ रही है। डबल में चले हुए वाइपर में, स्पीड ना दो नंबर पे रखा हुआ है मैंने, तो गीले और ऊपर से चप्पल लगा के आया आपका भाई, सॉक्स भी गीली हो गई। ये नहीं हुई गीली, मेरे पीछे छुपी हुई थी ना, है ना, ये मेरे पीछे छुपी हुई थी, ये नहीं गीली हुई है। अब यहाँ से जाना है हमको लेफ्ट, नैरीकुंड क्रॉस करके कुशाल सना पहुँच गए अभी। बाय सना। और सना का नानी करे ऊपर ऊपर दिख नहीं रहा है ऐसे झाड़ियाँ ना, और मैं चलता हूँ वापस। तो गाइज गाड़ी मैंने यहाँ पे छोड़ दी पप्पू भाई की, और निकलते हैं ऐसे बाइक लेके। और मौसम आप देख रहे हो ख़राब है, लेकिन बारिश रुक गई है, इससे पहले कि तूफान वाली बारिश आए निकल जाते हैं घर को। और यार मेन पता है क्या, मेरे को पता है मेरी सॉक्स गीली होने वाली है। देखो ना आपका भाई चप्पल लगा के आया हुआ है, गीला तो होगा रे बाबा, मैं गीला नहीं होऊंगा मतलब सॉक्स गीली हो जाएगी, आराम से जाएंगे भाई। ठंडी हवा चली, बारिश पड़ने के बाद ना ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती है, पता है, जिप लगा देते हैं भाई। बारिश जब पड़ती है ना ठंडी हवा स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना रोड गीला है, आप देखना जैसे मैं नीचे को जाऊँगा ना रोड बिल्कुल साफ होगा, कोई बारिश नहीं। ये लो बोलने की देर थी, पिछली बार भी होते लो रोड साफ है बिल्कुल ही, यहाँ पे बारिश पड़ी नहीं है। क्या यार मौसम का भी नहीं समझ में आता है, ये वही हिसाब आ जाता है ना, जहाँ जहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स होंगे वहाँ बारिश पड़ेगी, और बांग वाली साइड हमेशा आपको बारिश मिलेगी। बांग वाली साइड एक सोलांग से आगे धुंधी वाली साइड हमेशा बारिश मिलेगी। वैसे मैंने चंडीगढ़ जाना है, घर वाले ना मेरे को मना ही कर रहे थे, इस टाइम पे नहीं जाना है, रिस्क है, ये है वो है, लेकिन अब क्या करें यार। मैं पता है एक चीज़ शेयर कर ही देता हूँ आप लोगों के साथ, मेरा जाने का वो पता है क्यों अभी बन रहा है, क्योंकि 25th को ना ननता का बर्थडे भी है, 25th अगस्त को, तो अगर मैं नहीं गया इस टाइम पे तो मेरी आई बारी। और आपको पता है भाई जब गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है ना और ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बाद भाई भगवान ही बचाए, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं सोच रहा था गाड़ी का काम भी हो जाएगा मेरा, ठीक है, और मेरे को 4-5 दिन तो रुकना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं कल जाता हूँ 22nd को पहुँचूंगा, पहले तो मेरे को रेस्ट करना पड़ेगा पूरे दिन, ऐसे तो नहीं जाते मैं गाड़ी का काम कराने लग जाऊँगा, पहले वहाँ पर सामान देखूँगा जो जो चाहिए मेरे को, फिर अगले दिन 23rd और 24th को मैं अपना काम कर लूँगा, और 24th को भी मेरे को दिन तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को आपको पता ही बर्थडे तो सरप्राइज ही बहुत कुछ होता है, वो आपको वीडियोस में पता चल जाएगा, कुछ स्पेशल करेंगे अनंता के बर्थडे के लिए, ठीक है। और आप लोग भी मेरे को ना कमेंट्स में आइडिया देते रहो कि क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी चाहिए, देखते हैं, जिसका आइडिया मेरे को पसंद आ गया ना अनंता को हम उसके बर्थडे पे उस तरह का सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। और एक सरप्राइज़ वाली वीडियो भी आने वाली है उसके बर्थडे की, तो एक और कमेंट में बताना मेरे को। तो वही है 24th को शाम को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, 24th और 25th को, और फिर उसके बाद गाड़ी का काम, क्योंकि 3-4 दिन तो लगने वाले हैं गाड़ी के काम में, एक दिन में तो होगा नहीं, तो वही 26-27 को काम कराऊंगा, और 28th को 9th को वापस, हो सकता है ननता भी मेरे साथ वापस आए, क्योंकि वो बोलती मैंने घर आना है थोड़े दिनों के लिए, तो अगर ननता का घर आने का बन गया तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा चाहे मेरे को वेट भी करना पड़े कर लूँगा, और साथ में आ जाएंगे घर को वापस। यहाँ पर बारिश पड़ी नहीं है भाई, गड्ढे 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 भाई, अंजर पंजर हिल जाते हैं जैसे गड्ढे आते हैं ना। तो यार अभी ना यहाँ से निकल रहा हूँ मैं घर को, एक्चुअली मेरे को चंडीगढ़ को ना सेब भी ले जाने हैं ननता के लिए, तो और ननता के लिए भी, और दोस्त भी है वहाँ पे मेरे एक ना, उसके लिए भी ले जाने हैं मेरे को पेटी भर के। यार इन केस अगर आप में से भी किसी को सेब चाहिए और आप चाहते हो कि आपके घर तक आपको मिले, डिलीवर हो जाए, तो हम लोगों ने वो वाला बिजनेस भी छोटा सा स्टार्ट किया हुआ है, तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं माउंटेन फार्म्स का, माउंटेन फार्म्स करके हम लोगों ने पेज बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके आप लोग मैसेज कर दीजिए और जो भी डिटेल्स होगी ना आपको वहाँ पे पता चल जाएगी और आपके घर तक सेब पहुँच जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है माउंटेन फार्म्स का, जाइए मैसेज कीजिए। गाइस एक चीज चेकआउट करना है, बेला आ जा, नहीं हमला, नो हमला, नो हमला, डोंट टच, ये ऐसा हमला करती है मेरे ऊपर, पूरे बाल से भरती है, लेकिन आज नलाई हुई है। ओए नो नो बेला, मैं मारूंगा, देखी से डंडा, हां देख आमा ने बोला डंडा तो डंडा, बेला लेट्स गो बेला। यार इसके पास इतना जोर है ना, खींच खींच के ले जाती है बताया। तो यार बेला को घुमा के तो मैं आ गया हूँ ना, बाकी भाई इतना जोर लगाती है ना, एक्चुअली बॉस्को मिश्का को भी घुमाने ले जाता हूँ, इतना जोर वो नहीं लगाते हैं, गोल्डन रेट्रीवर में होता ही है, जीन्स में ही होता है उनकी ये जोर लगाना इतना ज़्यादा, वैसे तो हस्की की जीन्स में भी होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये जोर लगाना कुछ अलग ही है, मतलब जल्दबाजी नहीं होती हर चीज़ में जल्दबाजी करनी, अभी तो सीढ़ियों से भी गिर गई है आते आते, बाकी घुमा दिया इसको मैंने। तो एक काम करते हैं चलते हैं और वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।
है।